और हमारे नौजवान साथियों, माफ़ी चाहता हूँ, मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है। ऐसा ना हो जाए मेरी हिंदी सुन के एक 10-20 हज़ार वोट घट जाए, तो इसलिए मैं अभी से आपसे केविट डाल रहा हूँ। ये चुनाव जो होने वाला है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चुनाव है। ये चुनाव राधा कृष्णा जी का चुनाव नहीं है, ना ही उमेश यादव जी का है, ना ही ये चुनाव मोदी का है, मोदी जी का है, ना ही खड़गे जी का है। ये चुनाव है हमारी भविष्य का, ये चुनाव है हमारे तरक्की का, ये चुनाव है सामाजिक न्याय का, और ये चुनाव है संविधान को बचाने का। संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे, संविधान बचेगा तो हमारा हक का हिस्सेदारी मिलेगी, संविधान बचेगा तो हमारी तरक्की होगी। आप सब लोग को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अभी 10 महीने पहले जो भाजपा की हुकूमत थी, तब रोज हम टीवी में क्या देखते थे, हम सिर्फ ये देखते थे करके कर्नाटका में, पहले ये कभी नहीं था हमारे कर्नाटक में, ये सब यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता था, हमारे नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता था। जब हम कोई ये आज तक तेज या एबीपी जो नॉर्थ इंडिया चैनल, हिंदी चैनल डालते थे, तब ये हमको देखने को मिलता था, ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा, मंदिर मस्जिद का झगड़ा, ये जो जाके कोई हमारे लोगों को जाके इधर पीटना, इधर वापस चाकू से मारना, वो सब जो खबरें आती थी वो सिर्फ उधर से आती थी, इधर नहीं रहता था उतना एक कर्नाटका में। पहले भी भाजपा था पर तब भी इतना ये हिंदू मुसलमान नहीं किए थे, बट जब से 10 साल में जब मोदी जी की सरकार आई, मोदी की सरकार आई, तब से ये ज्यादा हो गया थोड़ा बहुत। मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ हूं, उसी पर चल रहा है अभी। कर्नाटका में भी जब पिछली भाजपा की सरकार थी, तो रोज हमको टीवी में देखता क्या था, हिजाब, हलाल कट, झटका कट। अभी हमको तो माफ कीजिए सरकार, हमको तो ये पता नहीं था हलाल कट क्या है, झटका कट क्या है, मसाला डालने के बाद सब कुछ अच्छा ही लगता था, माफी चाहता हूँ, बट मुझे तो पता नहीं था, यानी कि कट तो पता था, हलाल का मतलब पता था, वो सब ठीक है, बट उस मुद्दे पे के पूरे राज्य को राज्य का बंटवारा करना, लोगों में बंटवारा करना, ये बड़ी बात है सबसे, ये और लोग भी उस एजेंडा, उस नैरेटिव पे गिरे, उनको यकीन हो गया कि ऐसा हो रहा है करके। बिरयानी तो सभी खाते हैं ना, जब रमजान के टाइम पे आता है तो आपके घर में अगर 10 केजी बिरयानी बन रहा है तो रमजान के टाइम में 20 केजी बनते हैं, क्योंकि बाकी के 10 केजी हिंदुओं के घर जाते हैं ना, हमारे घर तो आते हैं, है कि नहीं। तो ये झटका कट, हलाल कट का न्यूज, हिजाब का न्यूज, अरे कितने सालों से बच्चियां हमारे स्कूल जा रहे हैं, ये किसी को आइडिया आया कि ये हिजाब है, बुरका है, पर्दा सब है। जब हमारे होता भी घर पे कोई आया तो घूंघट बोलते हैं ना उसको, हमारे घर में भी होता है, राजस्थानी में वो पल्लू बोलते हैं, पूरा ओढ़ते हैं, उसके अगर इसमें कुछ नहीं है, एक औरत की इज्जत, औरत की इज्जत ही होती है, वो कौन से भी मजहब के रहने दो, पर ये हेडलाइन हो रहा है। उससे कितनी हमारी बच्चियां स्कूल छोड़े, 12,000 बच्चियां हमारे कर उस मंगलोर उत्तर कर दक्षिण कन्नड़ा में स्कूल छोड़े, और वो स्कूल कोई नया स्कूल नहीं था, 100 साल पुराना स्कूल है, तब से चल रहा था, ये हेडलाइन था, हिजाब, ये हलाल, अजान तक भी अभी हो गया है, अजान से भी इतना से हमको, कितने हजारों साल से अजान हो रहा है कि नहीं भाई, अभी हमारे जब भाषण हो रहे हैं, करते हैं हमारे गांव में
जहाँ पे एक 10% एक 8% मुसलमान लोग अजान हो रहा है, तो हम लोग भाषण बंद करते हैं, भाषण बंद करके अजान तक रुकते हैं। सभी रोते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। ये जब भाजपा सरकार आई है, ये अजान हलाल झटका इस सब के चक्कर में हम आवाम की तरक्की भूल गए, हम आवाम की शिक्षा भूल गए, हमारे युवाओं की नौकरी भूल गए, हमारी बच्चियों का शिक्षा तक भूल गए। भाजपा को आप समझ लीजिए ठीक से, भाजपा जो है वो सिर्फ एक पार्टी है, असली उसका जड़ का है आरएसएस है, आरएसएस उसका जड़ है। बीजेपी को हम हैवान समझ रहे हैं, शैतान समझ रहे हैं, बीजेपी शैतान नहीं है, बीजेपी शैतान का परचाई है, हम परचाई से लड़ रहे हैं, शैतान तो आरएसएस है। हमको लड़ना है, हमको लड़ना है तो आरएसएस से लड़ना है। मैं ये मुद्दा सिर्फ यहाँ पे नहीं उठाता हूँ, असेंबली में भी बोला हूँ मैंने, असेंबली में कोई भी आप जाके यूट्यूब पे मेरा भाषण सुनिए, 1 घंटा 20 मिनट बात किया मैंने आरएसएस के बारे में। आरएसएस को ये जो हमारा भाईचारा है ना, उससे एलर्जी है उनको, हिंदू मुसलमान भाईचारे से अलग एलर्जी है उनको, उनके वो चतुर्वर्ण में ना आप आते हैं ना हम आते हैं, पहला शिकार आपका दूसरा शिकार मेरा होने वाला है। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूँ, हमारे जमीर भाई बोलते हैं मुझको जय भीम बोलते हैं, मैं जय मीम बोलता हूँ, क्योंकि हमारे इसमें कोई बैर नहीं है। इकबाल साहब ने क्या कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता हमको बैर करना, करेक्ट, हम यही समझ के आ रहे हैं। इसीलिए ये जो भाजपा की सोच है वो आरएसएस का है, भाजपा का खुद का सोच नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ, ये जो मोदी जी का चुनाव प्रचार है बहुत ध्यान से देखिए, वो सिर्फ आपको भड़काने के लिए भाषण करते हैं। और एक महीना हमारे लोग भड़कना नहीं चाहिए, एक कान से सुनो दूसरा छोड़ो। खड़गे साहब अभी दिल्ली में हैं, हम कर्नाटका में हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप हिंदुस्तान के नागरिक हो तो आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगर संविधान के तहत आपको आपका राइट्स है तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है, कौन सा भी सरकार हो उनका कर्तव्य है। प्रधानमंत्री की भाषण सुनिए, पहले फेज में जब ये तमिलनाडु केरला सब इलेक्शन जा रहा था, फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन, उनका भाषण कैसा था, 19 से पहले 20 से पहले उनका भाषण ऐसा था मनियाल सर कि वो मुसलमानों का मसीहा है। ठीक है, कौन सा भी भाषण देखिए, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह जाके क्या बोला प्रधानमंत्री ने कि मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ, मैं मुसलमान के औरतों को मैंने आजादी दिलाई 3 तलाक से, कश्मीर में संविधान नहीं था, आर्टिकल 371 मोदी लेकर आया संविधान, तब आया जम्मू और कश्मीर में जाके हमारे सऊदी क्राउन प्रिंस जो उनके महाराजा है, राजा है उधर जी, सलमान जी, सलमान सल्तनत है ना, उनके सऊदी सल्तनत के यहाँ जाके मैंने आपका हज का कोटा बढ़ा दिया करके बोला कि नहीं, बोले कि नहीं, बोले आपका मसीहा था। जब फेज वन पोलिंग के होने के बाद जब उनको पता चला कि उनकी कुर्सी डगमगा रही है, उनकी कुर्सी कायम नहीं रहने वाली है,
20 तारीख को नागपुर जाते हैं। नागपुर में किससे मिलते हैं? उनके बाप दादा से, केशव कृपा, आरएसएस वालों से मिलते हैं और बोलते हैं कि देख भाई, तू जो बात कर रहा है पब्लिक को जम नहीं रहा है, तू वापस हमारे एजेंडा पे आ जा वरना तेरी कुर्सी कायम नहीं रहेगी। तो 20 तारीख को जाते हैं प्रधानमंत्री जी, 21 तारीख को छत्तीसगढ़ में भाषण करते हैं। 21 तारीख को भाषण क्या करते हैं? 21 तारीख को पहले भाषण करते हैं कि पहले तो राम के नाम पे भाषण करते हैं, जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। ये 10 साल में मोदी की गारंटी काम किया हो तो अभी भी राम का नाम क्यों जपना भाई? काम से मतलब लो, राम से क्यों कर रहे हो? खरगे साहब कभी भगवान का नाम लेके वोट मांगे हैं कि काम करके वोट मांगे हैं? आपको कलबुर्गी एयरपोर्ट दिखा के वोट मांगे हैं, ये रोड दिखा के वोट मांगे हैं, ईएसआईसी हॉस्पिटल दिखा के वोट मांगे हैं, आर्टिकल 371 दे के वोट मांगे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे के वोट मांगे हैं, जयदेवा हॉस्पिटल दे के आपको वोट मांगे हैं। भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगे भाई हम कभी भी, राम के नाम पे नहीं, काम के नाम पे हमने मांगा है। राम सबके मन में बसा है, बट आपका क्या है? राम राम जपना पराय माला। आपका काम क्या है? मुंह में राम का नाम, बगल में चूरी। इतना मिसयूज करते हैं भगवान का नाम आप लोग। तो ये 21 तारीख को क्या बोले कि 21-22 तारीख को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक तरफ राम के नाम पे वोट मांगे जो कानूनी तौर पे गलत है, फिर इधर राजस्थान में आके हनुमान के नाम पे वोट मांगे, वो भी गलत है। और क्या, और उधर जाके पूरा हमारे कर्नाटक का इज्जत का फलूदा कर दिया। जाके क्या बोले उधर, कर्नाटक में हिंदू मुसलमाना का भाईचारा नहीं है। उधर कहीं तो चिकपेट या कौन सा हो तो नगरत पेट में, बेंगलोर साउथ में हमारे कोई हमारे हिंदू भाई हनुमान चालीसा ये क्या वॉल्यूम थोड़ा जोर से बजा रहे थे, तो इसलिए जाके कोई मुसलमान लोगों ने उसको पीट दिया। हालांकि भाजपा का एमएलए है उधर, और भाजपा का एमएलए खुद बोल रहा है, वो म्यूजिक बज रहा था ना ही तो हनुमान